हेलो गाइस, कैसे होता है। मैं घुमक्कर सौरभ फिर से स्वागत करता हूँ मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कहाँ हैं वो मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो गाइस, आज हम आए सनातन नववर्ष महोत्सव मेले में, जो कि लगा है बरेली क्लब मेला ग्राउंड बरेली में। और ये 3 दिन का मेला है, जो कि 22 मार्च 23 मार्च 24 मार्च तक लगा हुआ है, जिसमें माधव वाज बैंड, खुशी जोशी, कवि सम्मेलन, अनूप जलोटा जी आएंगे 24 तारीख को। तो गाइस चलिए अंदर मेले में चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार का मेला लगा हुआ है। दोस्तों, मेले के प्रमुख अतिथि बरेली के विधायक श्री संजीव अग्रवाल जी और दिव्य सेवा संस्थान के ट्रस्टी आशीष गौतम जी ने पूजा पाठ करके मेले का उद्घाटन किया। यह पहाड़ी लोकनृत्य, जैसे छलिया के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ के लोकनृत्य प्रस्तुत करते हुए मेले के अंदर आ चुके हैं। अभी जैसे कि आपने देखा कि पूजा पाठ हो रही थी, लोक नृत्य वगैरह भी अभी हो रहा है। तो जस्ट आज मेला स्टार्ट ही हुआ है, तो आज से 3 दिन तक बरेली क्लब ग्राउंड में मेला लगने वाला है। तो अभी ये कुछ स्टेज वगैरह है यहाँ का, जहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होंगे, अनूप जलोटा जी आएंगे, बाकी जो भी फंक्शंस वगैरह होंगे वो यहीं स्टेज वगैरह पे होंगे। बाकी चारों तरफ आप देखिए, जैसे कि देख रहे हैं कि स्टॉल्स वगैरह अभी कुछ लग चुके हैं, कुछ लगना बाकी हैं। तो अभी तो दोपहर हो रही है, दोपहर के 12 बज रहे, तो आज वैसे स्टार्ट भी हुआ तो लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन शाम को आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेले में जो इस तरह के छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने, ये फैंसी जो पेंसिल्स होती हैं, बांसुरी वगैरह, देख के यार एक नॉस्टैल्जिक सी फील आती थी यार। जब हम लोग भी छोटे छोटे थे, ये सब देख के यार बड़ा ही मज़ा आता था। आज भी अच्छा लगता है कि यार ये सभी खरीद लें यार। जयपुरी स्पेशल स्वीट सुपारी एवं चूर्ण, तो यहाँ पे आपको अनारदाना, हींग, पीड़ा वगैरह, जीरा गोल, ये सब सारी हेल्दी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये हापुड़ के मशहूर, ये स्किपी आइस पॉप्स, इनको आपने शार्क टैंक में देखा होगा। ये स्किपी पॉप जो कि शार्क टैंक में फीचर हुए थे, अगर शार्क टैंक आप देखते होंगे, आइस पॉप जो पहले आती थी एक एक 1-1.5 रुपए की, कोला फ्लेवर की, ऑरेंज फ्लेवर की, तो वही आजकल अब तो मिलती बहुत कमी मिलती है या मिलती नहीं है। तो उसी का एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, तो ये कुछ है आइस पॉप। फिर लोग आना स्टार्ट हो गए, अभी शाम के बज रहे हैं कुछ 4 समथिंग, और स्टॉल्स वगैरह भी लग रहे हैं। आदिदेव शंकरा, मेरा गर्व तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंखें बूंद के खड़ा। तो ये यहाँ का मेले का फूड कोर्ट है, तो यहाँ पे मेला घूम के जब थक जाएं आप, तो रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं। खाने पीने की हर ही चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। तो कुछ एक स्टॉल अभी, क्योंकि मेला जब जस्ट उद्घाटन हुआ है, तो स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं, और जब आप आएंगे तो आपको सारे स्टॉल्स लगे हुए ही मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ यहाँ की प्राइस लिस्ट है, जो भी मेले में सब कुछ मिलेगा वो सब यहाँ पर प्राइस लिस्ट है। तो गाइस, इसी के साथ आज की अपनी छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मेला भी 3 दिन तक लगा हुआ है, 22, 23, 24 तारीख को, और बाकी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस टाइप का कोई मेला लगा भारतीय सनातन संस्कृति को प्रमोट करते हुए, तो बिल्कुल आप आगे एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।